आज के इस वीडियो में बताएंगे नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से एक बहाली निकाली गई है जो कि आपके एरिया में ही वो बहाली रहेगी और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन 10वीं पास, कम से कम अगर आप मैट्रिक पास हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप नेहरू युवा केंद्र संगठन में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपने एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब के लिए, जिसमें आपको 5000 स्टार्टिंग सैलरी है, ये धीरे धीरे बढ़ेगी। तो चलिए जानते हैं कि नेहरू युवा केंद्र संगठन किस तरह आवेदन कर सकते हैं अपने एरिया में, पूरी चीज़ हम आपको इस विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन की जो मेन टॉपिक है वो हमको बता देते हैं। सबसे पहले एलिजिबल जो है, एलिजिबल आप अगर आप 10th क्लास पास है यानी मैट्रिक पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और आपकी एज 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 29 वर्ष होनी चाहिए 1 अप्रैल 2021 तक, ठीक है। और ये सिलेक्शन जो होगा, सिलेक्शन कमेटी जो होगी, तो सिलेक्शन आपके जिला के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM होंगे उनके द्वारा, वो चेयरमैन है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपके जिला से ही ये सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये बात याद रखिए कि जिला से ही सिलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसकी सिलेक्शन करेंगे। और जो मेन टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे देखिए सैलरी की बात है, रिसीव है मंथली पेमेंट जो है, रिसीव मंथली जो पेमेंट आपको मिलेगा वो 5000 मिलेगा स्टार्टिंग में, जो कि 2 साल के लिए होगा, ठीक है। और तो ये समझ के सैलरी कितने दिन के, कितने रुपए मिलेंगे, कितने दिन के लिए, और किसके द्वारा सिलेक्शन होगा, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, और पेमेंट यहाँ पे कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा आवेदन का लिए, ठीक है। आवेदन के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आप शुरू करते हैं और आपको अप्लाई करना दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है, तो कब से कब तक आप यहाँ पे देख सकते हैं, 20 फरवरी इनकी अंतिम डेट है, और मीटिंग ऑफ सिलेक्शन कमेटी के द्वारा मीटिंग होगा 25 फरवरी से 8 मार्च तक, उसके बाद 15 मार्च को ये रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद 1 अप्रैल 2021 को ये ज्वाइनिंग आप ले पाएंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो चलिए आवेदन करने के लिए आपको नेहरू युवा केंद्र की इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट के यहाँ व्हाट न्यूज़ है तो इसमें आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपकी सुविधा के लिए डायरेक्ट अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना फुल नेम देंगे, जिसमें आप मिस्टर मिसेज डॉक्टर वगैरह का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ अपना फुल नेम यूज करेंगे। फुल नेम देंगे अपना, उसके बाद फादर्स के फुल नेम, मदर्स का फुल नेम जनरल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देंगे और प्लेस ऑफ बर्थ देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी देंगे, जनरल SC ST किस कैटेगरी से आप आते हैं, ब्लड ग्रुप देंगे, उसके बाद यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नंबर देंगे अगर है तो, यहाँ पे आधार नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो देंगे, उसके बाद यहाँ पे टेंथ क्लास की रोल नंबर देंगे, टेंथ आप किस वर्ष पास किए वो देंगे, टेंथ किस बोर्ड से पास किए वो देंगे, उसके बाद अदर कोई क्वालिफिकेशन है टेक्निकल वगैरह का तो वो आप दे सकते हैं यहाँ से। उसके बाद पूछ रहे अभी आप क्या करते हैं, स्टूडेंट है, एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, तो या अदर जो भी है आप वो अभी वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, क्या काम करने के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर का नॉलेज है आपके पास, तो यस या नो करेंगे अपने हिसाब से, यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज में से हिंदी देंगे, लैंग्वेज यानी कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, तो हिंदी देंगे। क्या हिंदी आपको स्पीक यानी कि बोलना आता है, क्या हिंदी आपको लिखना आता है, पढ़ना आता और लिखना, हिंदी अगर पढ़ना लिखना बोलना तीनों आता है इस तरह लिखेंगे। उसके बाद इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश लिख दिए, इंग्लिश बोलना आता है, इंग्लिश लिखना आता है, पढ़ना आता है और लिखना आता है, ठीक है। इस तरह जो भी लैंग्वेज आपको पढ़ना लिखना आता है वो आप इस तरह, उसके बाद कोई भी लैंग्वेज जैसे कि उर्दू मैंने दिया तो उर्दू आपको पढ़ना आता है, बोलना आता है उर्दू पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, इस तरह आप सेलेक्ट करें। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस देंगे, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी देंगे, उसके बाद यहाँ पे अपने हिसाब से ये सब कोर्स अगर आप NCC वगैरह कोर्स वगैरह किए हैं तो यस या नो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप विलेज लेवल यूथ क्लब के मेंबर हैं तो यस या नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दो रेफरेंस देने होंगे, दो गवाह, ठीक है, जिसका नाम, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर जो आपको पहचानता हो। यहाँ पे दो व्यक्ति का नाम देंगे जो आपको पहचानता हो, उसका नाम, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर यानी कि रेफरेंस में, फिर उसी तरह दूसरा का भी नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर देंगे।
यानी कि ये आपकी फैमिली में नहीं होना चाहिए, फैमिली से अलग होना चाहिए, जो आपको पहचानता हो। ये फॉर्म पूरा फिलअप करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएगा ओके करने के लिए, ओके करेंगे।